और हम लोग हिंदी में देखने जा रहे हैं। सो अगर बात करें इसके टाइटल की तो टाइटल है घर बंदूक बिरयानी। घर बंदूक बिरयानी, अब इसका क्या मतलब है अभी तक हमें नहीं पता, वो हम लोग देखते हैं ट्रेलर तो पता चलेगा। और बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, तो इसको डायरेक्ट किया है हेमंत जांगल ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, इसमें है नागराज और भूषण। और स्टार कास्ट में है आकाश, सियाली, नागराज, सायाजी शिंदे और तानाजी हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रेलर। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोही चैनल का लिंक, शॉपिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। काश्मीर ला म्हणतात खर तर आपल्या कोलागडला म्हणलं पाहिजे। इथली शुद्ध हवा, इथलं शांत सुरक्षित वातावरण आपण कुठं शोधून बी सापडलं होय। ओके, क्या रे इंस्पेक्टर, घर पे बीवी बच्चा नहीं क्या? तो इतना बहादुर बन के लुक्का छुपी खेल रहा है मजे का कमांडर मैं है या तू? ऑर्डर देने के लिए कमांडर अभी जिंदा है। कसा जातो त्या कोलाकडे? झक मारायला आलो, बंदूक घ्यायला आलो, लोकांचा बदला घ्यायला। लपवायचंच असतं ना, तो तो खोटं बोललं असतं। तो पोरगा सगळं खरं बोलून गेला। आणि तू कुठे ठेवतोस आम्हाला? सडक्या घाणेड्या क्वार्टर्स मध्ये। ही मिशन माझी, मी लढाल। तुम्हाला तुमची काशी कशी करायची तशी करा। जा साल। थोडी बिघडली तर बिघडू दे, चालच बिघडवायची। ऍक्शन काफी मजेकर, म्युझिक भाई। ट्रेलर में जो है ना, मुझे दो तरह की जो है स्टोरीज नजर आई हैं। एक साइड पे तो वो स्टोरी नजर आई जहाँ पे पुलिस और जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है उनके बीच में जो है कुछ इश्यूज हैं। ऑन दी अदर साइड जो है मुझे जो है एक फैमिली भी नजर आई है तीनों साइडों पे। well, मैं कहूंगी कि तीन जो अगर हम लोग प्रोमिनेंट एक्टर्स की बात करें जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी लगे हैं इस ट्रेलर में, उन सबकी मुझे एक अलग अलग स्टोरी लगी है। अगर हम लोग बीच में आकाश की बात करें, मतलब वैसे मैं उनको पहचान की थी क्योंकि सेरत मूवी में वो आए थे। सो मूवी बहुत हिट थी, उसका म्यूजिक बहुत हिट था। तो उनकी मुझे अलग स्टोरी लगती है क्योंकि जिस तरीके से वो रिवेंज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके अलावा नागराज सर की मैं बात करूंगी। मैं वैसे, मुझे पहली दफा पता चला उनके बारे में, बट मैं कहूंगी क्या एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है, उनकी लुक्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज। इवन मतलब अगर जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है, ज्यादा डायलॉग कुछ भी नहीं है, बट जो एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं और जिस तरीके से फाइटिंग सीन की है कमाल के हैं। वो तो बाद में हम लोगों ने जब उनके बारे में पढ़ा कि वो राइटर भी हैं, वो पोइट भी,
भी हैं, वो मतलब प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब बहुत कुछ उनमें, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। सो उसके बाद हम आ जाते हैं सयाजी पर। तो उनकी तो हम लोगों ने बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा मूवीज देखी हैं, बॉलीवुड और साउथ में भी। एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है वो बहुत ही एक शानदार एक्टर हैं, और वो मुझे लग रहा है कि मे बी या तो टेररिस्ट ग्रुप है या फिर जो नक्सलवादी हैं, मतलब उस टाइप के मुझे लग रहे हैं कि उनके वो मतलब लीडर बने हुए हैं। सो जो स्टोरी है इन्हीं के रिवॉल्व मुझे लग रहा है कि घूमती रहती है, लेकिन वे साथ साथ जो है ना तीनों की एक फैमिली लाइफ मुझे फ्लू है आज। लेकिन जो है ना उसके साथ साथ जो है ना अगर देखा जाए तीनों की एक फैमिली लाइफ भी जो है बीच में दिखाई गई हुई है। अभी ये तो खैर जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से दोनों जो यानी कि तीनों जो हैं वो इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो शुरू से लेकर एंड तक बीजीएम जो है, खासतौर पर एंड वाला जो बीजीएम है वो बहुत मजे का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे काफी, मैं कहूंगी कि क्योंकि ये एक रीजनल मूवी है तो इसमें मुझे जो म्यूजिक है वो काफी ज्यादा मराठी एक टच फील हुआ है, जैसे यू नो ढोल ताशों वाला जो म्यूजिक होता है वो वाला काफी ज्यादा इसमें सुनाई दिया है। बाकी मुझे लगता है कि जो मूवी है वो शूट वगैरह तो मुझे लगता है कि फिल्म सिटी में ही हुई होगी, क्योंकि इतना जंगल तो उसी में हम लोग को देखने को मिलता है। ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी लोकेशन इस तरह की थी जो कि मुझे इस तरह फील हुआ था कि शायद फिल्म सिटी से बाहर की भी हो सकती है, बट मैं वैसे अपना एक अनुमान लगा रही हूँ। बाकी ये कि मराठी मूवीज के बारे में इतना ज्यादा तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो जैसे सिरत मूवी थी उसके बारे में सुना था कि बहुत अच्छी है, फिर उसका रीमेक भी दोबारा से बना। तो इसके अलावा आई थिंक सलमान खान सर की भी एक मूवी आई थी जो के रीमेक था, वांटेड नहीं, वांटेड नहीं, आई थिंक उसमें जो उनके वो है ना क्या उसमें उनके बहन के जो हस्बैंड है मुझे उनका नाम भूल गया, उनकी मूवी आई थी। सो लेकिन ये है कि मैंने सुना है कि मराठी मूवीज काफी ज्यादा अच्छी भी होती है। बाकी आप जरूर बताइए, असल में मराठी डब में नहीं ना मिलती? हाँ मेरा ख्याल है डब में, अभी तक वैसे मैंने नहीं देखी, साउथ की देखी है। और जहां तक टाइटल की बात है घर बंदूक बिरयानी, तो मैं सोच रही थी कि क्या हो सकता है, तो लाइक जहां तक मुझे समझ आ पाई है घर से मुराद मे भी, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो नागराज सर की फैमिली है वो वाला एक जो बीच में यू नो क्लैशेस भी हमें देखने को मिले। बंदूक तो हम लोगों ने देखा ही है, वो सयाजी सर के पास, लेकिन बंदूकें तो सारों के पास भी थी, लेकिन लीडर तो वही बीच में बने हुए हैं ना। और अगर हम लोग बिरयानी की बात करें तो जो आकाश है वो बीच में खाना पकाते हुए हमें नजर आए हैं। सो मे भी कहीं ना कहीं पर इन तीनों का बीच में कोई ताल्लुक है, मतलब टाइटल के साथ कैरेक्टर्स का। और बाकी आप जरूर बताइएगा कि मराठी इंडस्ट्री जो है उसमें बड़े बड़े स्टार्स कौन से हैं, आपके फेवरेट स्टार्स कौन से हैं, और आज का ट्रेलर आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और इसके साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर।